बजट देखिए 20 दिन पहले मुलाकात हुआ है और इनके विचार और इनके जो स्वभाव है मतलब हट कर गया है, दिल को टच कर गया है। पहले मतलब आरजेडी टिकट दिया है कार्तिक कुमार को, लेकिन संभव ना है। अगर उनके जगह पे इनको टिकट मिल जाता तो प्रचार करने का भी ज़रूरत नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम पटना स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के मसौढ़ी प्रखंड के बेरा पंचायत में हैं और यहाँ पे एमएलसी के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव जो है प्रचार के लिए आए हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ देखिए, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं इनमें ज़्यादातर पंचायत प्रतिनिधि हैं, एमएलसी चुनाव के वोटर हैं। यही लोग जो है इनके किस्मत का फैसला 4 अप्रैल को करने वाले हैं और ये इनसे मिलकर के इन्हें कन्विंस कर रहे हैं, इन्हें अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो आइए हम इन वोटरों से बात करते हैं, इन पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो आइए जानते हैं पंचायत प्रतिनिधियों से। आपका क्या नाम है, किस पंचायत से हैं और आप क्या हैं? अजीत कुमार, बेरा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मानती देवी, मसौढ़ी प्रखंड पटना। तो अभी 4 अप्रैल को आप वोट डालेंगे, तो अभी क्या सोच रहे हैं आप? 4 अप्रैल को तो हम लल्लू भैया के पक्ष में वोट डालने के लिए पूरे वार्ड और पंचायत समिति के लेकर मसौढ़ी प्रखंड में जाएंगे। आपके मतलब पूरे प्रखंड के मतलब पंचायत प्रतिनिधि इनके पक्ष में वोट करेंगे? हाँ, प्रखंड प्रतिनिधि एक प्रमुख प्रत्याशी था पिंटू ठाकुर, और पूरे 12 गो जो वार्ड है बेरा पंचायत में और मुखिया, हम लोग जाएंगे पूरा पुरजोर तरीके से लल्लू भैया के पक्ष में वोटिंग करेंगे। ये बताएं मुखिया जी कि आप कह रहे हैं कि हम इनके पक्ष में वोट करेंगे, तो क्यों, क्या वजह है, इसकी वजह बताएं। वजह देखिए 20 दिन पहले मुलाकात हुआ है और इनके विचार और इनके जो स्वभाव है मतलब हट कर गया है, दिल को टच कर गया है। पहले मतलब आरजेडी टिकट दिया है कार्तिक कुमार को, लेकिन संभव ना है। अगर उनके जगह पे इनको टिकट मिल जाता तो प्रचार करने का भी ज़रूरत नहीं था जी। जो आज लल्लू भैया लल्लू भैया प्रचार कर रहे हैं, निर्दलीय होकर इतना प्रचार कर रहे हैं। अगर टिकट मिल जाता तो प्रचार नहीं करना पड़ता। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने गलती की बहुत बड़ी। हाँ, गलती तो की है। अदर जगह जैसे रोहतास हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, उस जगह पे चल जाता उस टाइप के प्रत्याशी, लेकिन पटना डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बहुल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे 3000 जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो यादव हैं, तो आप यादव को मौका देना चाहिए था। मतलब ये कह रहे हैं आप कि यादवों के साथ अन्याय किए? हाँ, आरजेडी तो अन्याय किया है। हम तो मांग लल्लू भैया भी कोशिश की आरजेडी से, लेकिन नहीं मिल पाया। खैर, वो तो हाईकमान का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्णवीर सिंह यादव विधान परिषद पहुंच रहे हैं? एकदम श्योर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। आप क्या हैं? बेरा पंचायत वार्ड संख्या 10 के प्रतिनिधि श्रीमती पल्सी देवी का हैं। तो आप अभी 4 अप्रैल को वोट डालेंगे, तो क्या सोच रहे हैं? हम नहीं, हमारी माँ डालेगी। हम तो उनका प्रतिनिधि नहीं है, मेरी माँ वोट डालेगी, लेकिन माँ को मैं यही जानकारी दे करके भेजेंगे कि आप अच्छा और नेक आदमी को वोट करें। तो वो अच्छे और नेक आदमी आपकी नज़र में कौन है? जो हैं यहीं पे हैं, हमारे साथ में हैं जी। तो आप लोग कर्णवीर सिंह यादव को वोट करने वाले हैं? जी, एमएलसी में इन्हीं का वोट करने के पक्ष में हम लोग हैं। ज़्यादा दिन इनसे नहीं पहचान हुआ है, आज हम पहली बार इनसे मुलाकात हुआ यही मुखिया जी के माध्यम से, लेकिन हम लोग जब ये मुखिया जी का है तो हम इनका
वोट कर लेंगे। क्षेत्र में सब लोग कह रहे हैं कि हवा कर्णवीर सिंह यादव जी का है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि यादव जी का कन्वेंशन, इनका विचार और भाव सुझाव को देखते हुए हम लोग का अच्छा लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि यादव जी हैं, फिर भी इनका विचार और विचारधारा जो है ना बहुत बढ़िया है, हमको बढ़िया लगा, इस मकसद से हम लोग वोट इनका करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू ठाकुर हुआ। तो पिंटू जी, क्या सोच रहे हैं अभी 4 अप्रैल के बारे में, जब आप MLC चुनने के लिए वोट डालने जाएंगे, तो वो कौन से प्रत्याशी हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? ये हैं, जयपाल जी, लल्लू चाचा जी हैं, इनको वोट देंगे। उन्हीं को जिता रहे हैं आप लोग? उन्हीं को जिता रहे हैं। आप जिता रहे हैं, पूरे पंचायत के एक साथ आप लोग जितने भी वार्ड के सदस्य हैं सभी लोग उनको वोट कर रहे हैं? सब मिलजुल कर वोटिंग करेंगे। मुखिया होंगे, वार्ड हो गए, पंचायत में तो खुद हम अपने हैं। यहाँ दूसरे प्रत्याशी भी आए होंगे आपके पास? ना, और तो कोई नहीं आए हैं। कोई आए भी नहीं? तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कर्णवीर सिंह यादव जी ही घूम रहे हैं और लोग वोट मांग रहे हैं और वही उन्हीं की लहर है? ऐसा तो है, मोबाइल पर मैसेज तो हम सबको आ रहता है, ऐसा कोई दिक्कत ना है। बाकी खुद ही इनसे 2 बार कम से कम मुलाकात हो गया है। तो मतलब बातचीत में आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार नाम हुआ, बेरा पंचायत वार्ड नंबर 11 जी। तो अभी सत्येंद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं 4 अप्रैल के बारे में? अब 4 अप्रैल के हम लोग तो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी मिल के बात हो गए, सभी मिल के और अच्छा विचार है, हर चीज़ बढ़िया है इनको, और ऐसे बात भी हुआ इनसे जी। और फेसबुक पे मैसेज वगैरह ये सब आता रहता है। अच्छा। तो अच्छा विचार है, सब कुछ है, चुन रहे हैं इन लोग। विनोद कुमार जी, वार्ड नंबर 3। तो अभी वोट डालेंगे आप लोग 4 अप्रैल को, तो क्या सोच रहे हैं, किनको जिता रहे हैं? लल्लू जी के, इनको ना। कर्णवीर सिंह यादव कहा है? कर्णवीर सिंह यादव लल्लू जी। हाँ, इनको देने के लिए उपस्थित है। उपस्थित है, तय है एकदम? हाँ, एकदम तैयार है। हाँ, जीत पक्की है, मतलब कर्णवीर सिंह यादव जी? हाँ, जीत पक्की है। ठीक है,